तो दोस्तों काईमास्टर एप्लीकेशन के अंदर आपको वीडियो एडिटिंग कैसे करना है यह मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले ऊपर में देखिए न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर क्लिक करके आपकी कोई प्रोजेक्ट ले लीजिए। अगर आप कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी लेके रखा है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वरना आप नीचे से भी प्लस वाले आइकन पर इसमें क्लिक करके भी न्यू प्रोजेक्ट ले सकता है। तो मैंने सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कोई प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर यूट्यूब का साइज़ में बनाऊंगी तो 1.69 ये ले सकता है। अगर आप रील्स के लिए बनाओगे, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब का रील्स बनाओगे तो सेकंड वाले पार्ट को सिलेक्ट कर देना। अगर आपको इंस्टाग्राम के साइज़ में वीडियो एडिट करना है तो ये वाले ऑप्शन क्रिएट करिए। अगर आपको फेसबुक का वीडियो एडिट करना है तो ये वाले लीजिए, ठीक है। और यह भी दूसरा फेसबुक का बना सकता है, यूट्यूब में भी डाल सकता है, सभी कोई बात नहीं है। भी इंस्टाग्राम का, और ये आपके कोई ब्राउज़र है, ब्राउज़र पर आपको रखना है, वेबसाइट है इसमें रखना है तो वेबसाइट के लिए यही रख सकता है। तो मैंने यूट्यूब के लिए बता रहा हूँ, चलिए यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर क्लिक करके यह सबसे ज़्यादा यूज़ होता है यूट्यूब के लिए। तो आपको सबसे पहले बैकग्राउंड पर कोई इमेज लेना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप इमेज ले सकते हैं। अगर आपको इमेज का कलर चेंज करना है, यहाँ पर क्लिक करके इमेज का क्या भी कलर चेंज कर सकता है। यहाँ पर क्लिक करिए, बस आप इसको खींच के ऐसे कर सकता है, और वरना आप सीधा भी यह ले सकता है, प्रोजेक्ट कोई है तो ले सकता है, इसका ऊपर भी प्रोजेक्ट ले कर काम शुरू कर सकता है। तो हमने यहाँ पर क्लिक करके देखिए, यहाँ पर आपका जो फाइल में आपकी जो प्रोजेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर चूज़ कर लेना। आपका फाइल में अगर नहीं है, फाइल में पता नहीं चल रहा है तो ऑल फाइल पर क्लिक करिए तो आपके मोबाइल पर जितना चीज़ है, फोटो वीडियो सभी आ जाएगा। वहाँ से आप कुछ भी एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ से कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। देखिए हमने ये वाली एक इमेज ले लिया, ठीक है, यह आपको बताने के लिए यह इमेज हमने ले लिया। और ये इसको इस तरह से बड़ा कर देता हूँ। अगर आपको पूरी साइट साइज़ में इसको बैठाना चाहिए, साइड कट करना है तो ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऐसे करिए और आप इस तरह से कर सकते हो, कट कर सकते हो, ठीक है। देखिए हमने कट कर दिया और इसको इस तरह से खींच के इसको ऐसे कर सकते हो। तो ये हो गया आपको, और एक प्रोजेक्ट लेके मैंने दिखाता हूँ आपको। हमने कोई भी एक अच्छी सी प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, यहाँ पर ये वाली प्रोजेक्ट ले लिया। यह प्रोजेक्ट लेने के बाद में ये बिल्कुल यूट्यूब की साइज़ में, और इसको अच्छी तरीके से बैठाता हूँ। तो देखिए हमने इसको पूरी स्क्रीन में इसको बराबर परफेक्ट में बैठा दिया। बैठाने के बाद में आपको अगर कुछ पार्ट वीडियो से कट करना है, कुछ पार्ट कट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करिए, बीच इसको यहाँ पर बीच में कट कर दिया। कट करने के बाद में हमने राइट वाले ऑप्शन को कट करना है तो राइट वाले पर क्लिक करिए, ये वाले पर, ठीक है। और अगर आपको लेफ्ट वाले करना है तो लेफ्ट वाले इस तरह से कट हो गया। फिर इसका साथ में जोड़ देना है, इसके लिए बराबर जोड़ने के लिए यहाँ पर ऐसे करिए। करने के बाद में यहाँ इसको यहाँ पर ला के छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद में आपको देखिए इस तरह से यह हो गया, ठीक है। अगर आपको कुछ यहाँ पर आपको कुछ भी ऐड करना है तो ये वाली को पहले कट करिए। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको कट कर दिया, और यहाँ पर आपको कुछ इफेक्ट वगैरह ऐड करना है तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। देखा है ना कितना अच्छी लग रही है। अगर आपको यहाँ से कुछ लिखना है, टेक्स्ट वगैरह लिख के यहाँ पर ऐड कर सकते हो, वरना आप यहाँ इस तरह की बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर इस तरह से आपको करना है तो भी कर सकते हैं। देखिए काफ़ी चीज़ ये जब वीडियो चेंज होते रहेगा तो, लेकिन यह आपको कोई प्रोजेक्ट पीछे लगाएगा तो ये शो होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वीडियो को कलर करना सिखाएंगे। तो वीडियो कलर करने के लिए देखिए यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आइए। यहाँ पर आने के बाद में
यहाँ पर क्लिक करके आप जितना कलर करना है कर सकते हैं। तो देखिए ये आपके ऊपर डिफरेंस करेगा, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए मैंने कर रहा हूँ और आप अपना हिसाब से आप कर लीजिए, ठीक है। आपको जैसे पसंद आए वैसे कर लेना है। देखिए यहाँ से काफ़ी अच्छा जैसा बना सकता है, ठीक है। इसका जो सेटिंग कौन सा क्या काम करता है ये मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए तो हमने इसको सही कर लेता हूँ क्योंकि हमें ये नहीं करना है, आप लोग को सिर्फ दिखाने के लिए। तो बस हम रहने देता हूँ यहाँ पर। अगर आपको कोई क्रोमा की चीज़ लिया है, देखिए मैंने कुछ पार्ट यहाँ से क्रोमा का ले लेता हूँ वीडियो के ऊपर। जैसे सब्सक्राइब, कैसे सब्सक्राइब करने का जो ऑप्शन है, इसको क्रोमा की कलर लेने के बाद में आपको इसको रिमूव करना है। ग्रीन स्किन ग्रीन रिमूव हो गया, अगर दूसरा कुछ कलर रिमूव हो गया तो आप यहाँ से कलर चेंज कर लेना। जो कलर चेंज करोगी सिर्फ वही रिमूव होगा। और यहाँ पर आप एडजस्टमेंट करके आप डिलीट ज़्यादा नहीं हुआ तो यहाँ से कर सकता है। यहाँ पर क्लिक करके वैसे आपको थोड़ा क्लियरिटी बढ़ा सकता है, ठीक है, वरना आपको यहाँ पर क्लिक करके भी देख सकता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से बाद में हमारी ये बराबर हो चुका है। और अब हमने इसको छोटा करके कहीं पर रख देता हूँ और लोगों ने सब्सक्राइब कैसे करना है यह देख सकता है, ठीक है। तो और भी टिकट कुछ टैक्स वगैरह वीडियो के ऊपर लिखना है तो हम यहाँ से लिख सकता है। तो हमने हमारे चैनल की नाम यहाँ पर लिख दिया। ये लेडर को ज़्यादा पसंद नहीं लग रहा है, इसके लिए इसका ये चेंज करता हूँ। देखिए अभी इसको काफ़ी पसंद लग रही है, ठीक है। और इसको यहाँ से देखिए इसको ऐसा कर सकता है, ठीक है, आपको जैसा चाहे वैसा कर सकता है। तो मैंने कुछ नहीं दिया, देखिए यहाँ पर इस तरह से वैसा आप रख सकता है। तो हमने इसको नौ सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता है, ठीक है। तो हमने टेक्स्ट कलर को ब्लैक कर दिया, देखिए ब्लैक हो गया। और हमने इसको इस तरह से मिरर करना है, इसको उल्टी करना है तो हो जाता है ऐसे। अगर ऐसे करना है ये भी हो जाता है, ऐसा करना ये भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकता है। तो इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ, देखिए इस तरह से इसका क्लियरिटी कम करना है, आपकी इमेज जो बैकग्राउंड है उसका साथ भी ये हो जाएगा, ठीक है, इसका साथ भी बैठ जाता है, वही है इसका मतलब। तो हमने इसको नॉक कर देता हूँ क्योंकि मैं देखा रहा हूँ आपको यहाँ से इमेज का टेक्स्ट का बॉर्डर लगा सकता है, ठीक है। टेक्स्ट बॉर्डर देने के लिए इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको टेक्स्ट बॉर्डर कौन सी कलर पर रखना है वैसे रख सकता है। टेक्स्ट बॉर्डर हो गए तो हमने इसको अभी ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मैं दिखाने के लिए टेक्स्ट टेढ़ी मेढ़ी उसका जो नीचे वाली साइड है इसका जो साया है ये ऊपर में ले सकते हैं, नीचे में ले सकते हैं, किधर भी आपको चाहिए। दूसरी कलर लेना है तो यहाँ से दूसरा कुछ कलर ले सकता है। देखिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो मैं दूसरी ऑप्शन पर जाता हूँ, ये बॉर्डर ये चारों तरफ रहेगा, ठीक है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको ऑफ कर दिया। उसके बाद में देखिए और भी इस टेक्स्ट का साथ में और आपको लेना है तो कीपैड वाले पर क्लिक करिए, और कुछ भी लेना है तो ले लीजिए, मैंने ही लेना है, ठीक है। और बस आपको
इसको अगर ज़्यादा तक नहीं रखना है, कम करना है तो इसको कम कर सकता है। इसको ऐसे सीजर से भी कट कर सकता है, यहाँ से राइट लेफ्ट इसको दो करना है कर सकता है। अगर यह टैक्स अब उठा कर किसी और साइड में रखना है तो ऊपर वाले थ्री डॉट पर क्लिक करिए, इसको डुप्लीकेट करिए तो डबल हो गया और हम इसको वहाँ पर भी रख सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई वीडियो की कोई किसी एक पार्ट से स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाले पर क्लिक करके स्क्रीनशॉट ले सकता है। अगर आपको एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर डालना है तो यहाँ से आप डाल सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग करना है, उसका बेसिकली सेटिंग नहीं करना है क्योंकि कंप्यूटर का जो सेटिंग है वो सभी जो रहता है वही बराबर लगता है। ठीक है, अगर आप वीडियो का लास्ट में जाना चाहते हो, ठीक है, आप काफ़ी लंबा वीडियो है लास्ट में जाना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करोगे, एक साथ एक क्लिक में आप राइट साइड में आ गया। अगर आपको लेफ्ट साइड दोबारा आना है तो ये वाली पर क्लिक कर देना है, एक साथ में आ गया। अगर आप सेकंड वाली लास्ट में आया और यहाँ पर यहाँ पर मान लीजिए दो वीडियो रखा हुआ है, आप एक वीडियो का बीच में आना चाहते हो, एक वीडियो का साइड में आना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करिए। देखिए एक वीडियो का साइड में आया और यहाँ पर बचा हुआ और एक फिर से क्लिक करोगे तो वहाँ पर आ जाओगे। ठीक है, ऐसा एक एक करके आ सकता है। ठीक है, तो और अगर आपको कुछ मिस्टेक कर दिया, कुछ काम में गलत हो गया तो इसमें रिप्लेस कर सकता है यहाँ पर क्लिक करके। हाँ, और रिया आ गया है, अगर रिया आने के बाद में यह गलत लग रहा है आपको तो इसको दोबारा यहाँ पर क्लिक करके इसको हटा सकता है। ठीक है, यहाँ पर से आपको कोई ऑडियो म्यूज़िक लेना है तो यहाँ लाइब्रेरी पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक करके आप ले सकता है ऑडियो। और यहाँ पर कुछ भी आपका है तो यहाँ से भी ले सकते हो, नहीं तो उसका स्टोर से ले सकता है, वरना आप रिकॉर्डिंग क्या चीज़ है यहाँ पर रिकॉर्डिंग करा हुआ है कई मास्टर के थ्रू, यह यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से ले सकता है। वरना आपको गैलरी में कोई रिकॉर्डिंग है, कोई सॉन्ग है, कुछ डाउनलोड सॉन्ग है लगाना चाहते हो जो कॉपीराइट नहीं, कॉपीराइट वाला नहीं लगाना, नहीं तो यूट्यूब में डालने के बाद कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए आपको ऑडियो म्यूजिक मिल जाएगा, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ मिल जाता है, आपको जो लगाना है लगा सकता है। ठीक है, इस कौन सा वीडियो कौन सा ऑडियो लगाना है यह आपको सुनने के लिए सबसे पहले इस टेक्स्ट का ऊपर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद इस तरह से देख रहा है ये आप सुन लिया। अगर आपको लग रहा है यह सही नहीं, यह सही नहीं है तो दूसरी पर क्लिक करिए और देखिए यह सही लग रहा है तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करिए, यह आपके वहाँ पर आज ऐड हो जाएगा। देखिए मैंने क्लिक किया और यह नीचे ऐड हो गया। और भी लेना है तो लीजिए, यहाँ पर क्लिक करिए, देखिए और भी आपको मतलब पूरी जो जो चीज़ है आपको यहाँ पर मिल जाता। ठीक है, यहाँ से आप ऑडियो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्टोर का देख सकता है, डाटा बनाना चाहिए, डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ आप नाम सर्च कर सकता है, आपका कोई ऑडियो है तो सर्च करके भी लगा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर रिकॉर्डिंग करके दूसरा कुछ ऐड करना है तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहाँ और कैमरा ऑन करके फ्रंट कैमरा बैक कैमरा दोनों ऑन करके जो कुछ भी आपको रिकॉर्ड और करना है कर सकते हैं। और यहाँ से आप कोई वीडियो और ऐड करना है ऐड कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लेयर में आकर आपको यहाँ पर कुछ वीडियो एक्सीडेंट वाला कुछ भी वीडियो देखाना है तो इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर क्लिक करिए और ये ब्लार कर दीजिए, और ब्लार करने के बाद में ये ज़्यादा ब्लार और करना है तो इसको इस तरह से बढ़ा सकता है। देखिए, और आप जिस पार्ट का ऊपर रखना चाहते हो इसको इस तरह से आराम से रख सकते हैं, और उस पार्ट देखा ही नहीं देखा, यूट्यूब की स्ट्राइक आएगा नहीं, फेसबुक का स्ट्राइक नहीं आएगा। अगर आपको मान लीजिए वाटर मार्क हटाना है या आपको कोई ब्लार देख रही है स्केटिंग हो गया तो इस तरह की चीज़ों में यूट्यूब क्या करता है स्ट्राइक मार देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दूसरा कलर वाला भी ले सकता है, वरना आप ये भी ले सकता है, देखिए ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको भी आप ज़्यादा कर सकते हैं, देखिए वो ऐसे हिलता नहीं है, वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और हिलने वाला पहले जो देखा है वही है। ठीक है, तो हमने इसको डिलीट कर दिया, और देखिए यहाँ से कुछ आपको ये मिल जाएगा, ये वाले इमोजी मिल जाएगा, इमोजी आप लेना चाहेंगे तो ले सकता है, वरना आपको यहाँ से
कुछ दिखाना चाहते हो लोगों को मार्क करके, देखिए हमने कुछ दिखाना चाहता हो इस तरह की, तो हमने ये टिक्स दिखाया और इसको बड़ा भी कर सकता हूँ और इसको छोटा भी कर सकता हूँ। इस तरह से डिलीट कर दिया हमने और एक क्लिक दिखाता हूँ। देखिए हमने इस तरह की कलर चेंज, कौन सी कलर में यह जो टिक्स दिखाना है, अभी रेड कलर में, मैं ग्रीन कलर में दिखाना चाहता हूँ, तो अभी हमारे ग्रीन हो गया और ये ग्रीन कलर में देख शू हो रही है, ठीक है। अगर आपको इसको हटाना है तो हट गया, यहाँ से आप यो कर सकते हैं, ठीक है। और आपको चेंज करना है, इसको बड़ा करना है छोटा करना है, तो देखिए अब बड़ा हो चुका है, ठीक है। अब कितना बड़ा लेना चाहेंगे वो इतना बड़ा होगा, अब जितना बड़ा लेंगे इतना बड़ा होगा, ठीक है। तो इसका और एक दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर हमने जो रोटेड वाला लिया है, यहाँ पर क्लिक करिए, रोटेड वाला ले सकते हो इस तरह की, और साथ में इसका साथ क्लिक करके ये वाली भी इस तरह से दिखा सकता है। ये तो काफ़ी अच्छी बात है, ऐसा हो गया। और ये इस तरह की भी कुछ पार्ट बना सकता है, अगर आपको इस तरह की मार्क करना है, जो करना है आप कर सकते हो। मैं सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। पेंसिल आइकॉन जैसे लिखता है वैसे, और देखिए इस तरह की दोनों तरफ ऐसा लगाना है जो करना है, देखिए आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करने के बाद में अभी देखिए यहाँ पर सब कुछ, यहाँ से वीडियो लेना है ले सकता है, लेके आप एडिट करिए, ओके। तो और कुछ अगर आपको सीखना है, और कुछ अगर सीखना चाहते हो तो हमें कमेंट करिए, और कमेंट करके बताइए, हमने दूसरी और भी कुछ सीखना चाहते हो तो हमने वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू, आज का वीडियो इतना ही है, धन्यवाद।